हाय गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद अतहर। आज मैं आपको टीपू सुल्तान के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैसूर साम्राज्य के शासक टीपू सुल्तान के बहादुरी के किस्से कौन नहीं जानता। इतिहास के पन्नों में टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर बताया गया है। टीपू सुल्तान एक कुशल वीर और बहादुर वीर थे, जिनमें वीरता और साहस कूट कूट कर भरा था। टीपू सुल्तान की वीरता के आगे अंग्रेजों को भी घुटने टेकने पड़े। इसके अलावा वे एक बेहद प्रशंसनीय रणनीतिकार भी थे। अपनी रणनीति से ही टीपू सुल्तान हमेशा अपने अधीन प्रदेशों को जीतने की कोशिश करते थे। अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाई में वीर योद्धा टीपू सुल्तान का अहम योगदान रहा है। इसके अलावा टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाना जाता था। बहादुर और योग्य शासक टीपू सुल्तान ने मंगलौर की संधि, जो कि द्वितीय एग्लो मैसूर युद्ध को खत्म करने के लिए थी, इसमें उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि यह भारत का ऐतिहासिक मौका था जब किसी भारतीय वीर शासक ने अंग्रेजों पर हुकूमत की थी। कुशल वीर योद्धा टीपू सुल्तान ने अपने पिता हैदर अली की मौत के बाद मैसूर का राजपाट संभाला और अपने शासनकाल में कई बदलाव लाकर कई प्रदेशों में जीत हासिल की। इसके साथ ही युग शासक टीपू सुल्तान ने लोहे से बने मैसूरियन रॉकेट का भी विस्तार किया था। वहीं टीपू सुल्तान के राकेटों के सामने कई सालों तक भारत में हुकूमत करने वाली अंग्रेजी सेना भी थर्राती थी। टीपू सुल्तान ने युद्ध के मैदान में पहली बार रॉकेट का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद टीपू सुल्तान के इस हथियार ने भविष्य को नई संभावनाएं दी और कल्पना की उड़ान दी। वहीं इससे आप टीपू सुल्तान की भविष्य को लेकर दूरदर्शिता का अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि टीपू सुल्तान की रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक अग्नि की उड़ान में भी जिक्र किया है। फिलहाल टीपू सुल्तान ने इस तरह अपने बेहतरीन हथियारों का इस्तेमाल कर कई युद्धों में तारीफ के काबिल प्रदर्शन कर जीत हासिल की थी। एक योग्य शासक होने के अलावा टीपू सुल्तान एक विद्वान, कुशल सेनापति और महान कवि थे, जो अक्सर कहते थे कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 1000 साल से बेहतर होती है। आपको बता दें कि टीपू सुल्तान का जन्म 10 नवंबर 1750 में हुआ था और टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था, जो कि दक्षिण भारत में मैसूर साम्राज्य के एक काबिल सैन्य अधिकारी थे। इनके माता का नाम फातिमा फकुन निशा था और टीपू सुल्तान इन दोनों के बड़े पुत्र थे। उनके पिता हैदर अली साल 1761 में अपनी बुद्धिमत्ता और कुशलता के बल पर मैसूर साम्राज्य के वास्तविक शासक के रूप में सत्ता में काबिज हुए और उन्होंने अपने कौशल और योग्यता के बल पर अपने रुतबे से मैसूर राज्य में सालों साल तक शासन किया। आपको बता दें कि टीपू सुल्तान को बचपन से ही शिक्षाविदों में बहुत अधिक रुचि थी। टीपू सुल्तान अच्छी तरह से शिक्षित होने के साथ साथ एक कुशल सैनिक भी थे। टीपू एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और वह सभी धर्मों का मान्यता देते थे। कुछ सिद्धांतों के द्वारा उन्होंने हिंदुओं और ईसाइयों के धार्मिक उत्पीड़न का विरोध भी किया था। महज 15 साल की उम्र में ही टीपू सुल्तान युद्ध कला में निपुण हो गए थे और उन्होंने अपने पिता हैदर अली के साथ कई सैन्य अभियानों में भी हिस्सा लिया। साल 1766 में उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ हुई मैसूर की पहली लड़ाई में अपने पिता के साथ संघर्ष किया था और अपनी कौशल क्षमता और बहादुरी से अंग्रेजों को खदेड़ने में भी कामयाब हुए। टीपू सुल्तान ने अपने पिता के मैसूर साम्राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में पड़ने से बचने के लिए वीरता के साथ प्रदर्शन किया था और सूझबूझ से रणनीति बनाई। वे हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहते थे। इसके साथ ही वे अपने अभिमानी और आक्रामक स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे। टीपू सुल्तान बहादुर होने के साथ साथ दिमागी सूझबूझ से रणनीति बनाने में भी बेहद माहिर था। उन्होंने अपने शासनकाल में कभी हार नहीं मानी और अंग्रेजों को हारने के लिए मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि टीपू सुल्तान अपने शासनकाल में सम्मानित व्यक्तित्व वाले एक साधारण नेता के रूप में जाने जाते थे। वहीं टीपू सुल्तान को अपनी प्रजा से
बहुत ज़्यादा सम्मान मिला। टीपू सुल्तान जैकबिन क्लब के संस्थापक सदस्य थे, जिन्होंने फ्रांसीसी के प्रति अपनी निष्ठा कायम रखी। वह अपने पिता की तरह एक सच्चे देशभक्त थे। इसके अलावा महान योद्धा टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसी, अफगानिस्तान के अमीर और तुर्की के सुल्तान जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की सहायता कर उनका भरोसा जीता। पहले मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हरा दिया था। इसके बाद साल 1779 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, जो कि टीपू संरक्षण के तहत था। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने साल 1780 में बदला लेने के लिए और अपने बेटे टीपू सुल्तान के साथ साल 1782 में द्वितीय मैसूर युद्ध में भी अंग्रेजों को जोरदार पटकने दी। वहीं इस दौरान द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के रूप में एक अभियान भी चलाया गया, जिसमें उन्होंने सफलता हासिल की। इस युद्ध को खत्म करने के लिए उन्होंने समझदारी से अंग्रेजों के साथ मंगलौर की संधि कर ली। इस दौरान हैदर अली की कैंसर जैसे घातक बीमारी से पीड़ित हो गए और साल 1782 में उनका इंतकाल हो गया। आपको बता दें कि अपने पिता की मौत के बाद बड़े पुत्र होने के नाते टीपू सुल्तान को मैसूर साम्राज्य का राज सिंहासन पर बिठाया गया। 22 दिसंबर 1782 में टीपू सुल्तान ने अपने पिता हैदर अली की जगह ली और मैसूर साम्राज्य के शासक बन गए। आपको बता दें, राजपाट संभालने के बाद टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए और अंग्रेजों के अग्रिमों की जांच कराने के लिए मराठों और मुगलों के साथ गठबंधन कर सैन्य रणनीतियों पर काम किया। आपको बता दें, टीपू सुल्तान अपने शासनकाल में अपने पिता की अधूरी पड़ी हुई परियोजनाएं जैसे सड़कें, पुल, प्रजा के लिए मकान और बंदरगाह बनवाया जैसे कामों को पूरा किया। इसके अलावा रॉकेट टेक्नोलॉजी में उन्होंने न सिर्फ कई सैन्य परिवर्तन किए बल्कि खुद का दूरदर्शी होने का प्रमाण भी दिया। युद्ध में सबसे पहले टाइगर टीपू सुल्तान ने रॉकेट का इस्तेमाल किया ताकि इस प्रभावशाली हथियार से शत्रुओं को पराजित किया जा सके। साहसी योद्धा के रूप के टीपू सुल्तान की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। इसी को देखते हुए इस महान योद्धा ने अपने क्षेत्र का विस्तार करने की योजना बनाई। इसके साथ ही त्रावणकोर राज्य को हासिल करने का सोचा। आपको बता दें कि त्रावणकोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सहयोगी राज्य था। वहीं इस राज्य को हासिल करने की लड़ाई की शुरुआत 1779 में हुई थी। इस तरह यहां से ही तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई। टीपू जैसे बहादुर शासक का सामना करने के लिए त्रावणकोर के महाराजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी, जिसके बाद लॉर्ड कार्नवालिस ने इस महान योद्धा को पराजित करने के लिए एक मजबूत सैन्य बल का निर्माण किया और हैदराबाद के निजामों के साथ गठबंधन कर लिया। इसके बाद साल 1790 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने टीपू सुल्तान पर हमला किया और जल्द ही कोयम्बतूर पर ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिसके बाद टीपू ने कार्नवालिस पर हमला किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि वे इस अभियान में सफलता हासिल न कर सके। वहीं यह लड़ाई करीब 2 साल तक जारी रही। साल 1792 में इस लड़ाई को खत्म करने के लिए टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि पर साइन कर दिया। इस दौरान उन्हें मालाबार और मंगलौर मिलाकर अपने प्रदेशों को खोना भी पड़ा था। आपको बता दें, जब महान योद्धा टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे तो उनकी तलवार उनके शव के पास पड़ी मिली थी, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने उनकी तलवार को ब्रिटेन लेकर चले गए थे और उन्होंने इसे अपनी जीत की ट्रॉफी बनाकर वहां के म्यूजियम में रख दिया। उनकी तलवार पर रत्न जड़ित बाघ बना हुआ था। टीपू सुल्तान की तलवार का वजन 7 किलो 400 ग्राम है। वहीं आज के समय में उनकी तलवार की कीमत करोड़ों रुपए में आंकी जाती थी। इस तरह महान योद्धा टीपू सुल्तान ने अपनी योग्यता, शक्ति और समझदारी से अंग्रेजों को युद्ध के मैदान में पटखने दी और अपने राज्य की रक्षा की। टीपू सुल्तान जैसे वीर शासक को हमेशा याद किया जाएगा। टीपू सुल्तान, आपको बता दें, टीपू सुल्तान जब 1799 में शहीद हो गए थे तो इनकी आयु 48 वर्ष की थी। बहरहाल टीपू सुल्तान बेहद अभिमानी और एक आक्रामक स्वभाव के शासक थे, इसलिए उसने अपने कई प्रदेशों को खोने के बाद भी अंग्रेजों के साथ अपनी लड़ाई खत्म नहीं की। साल 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों और निजामों के साथ गठबंधन कर टीपू सुल्तान के मैसूर राज्य पर हमला किया,
यह चौथा एंग्लो मैसूर था जिसमें ब्रिटिश लोगों ने मैसूर राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर अपना कब्जा जमा लिया था। इस तरह महान शासक टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में 3 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और अपना नाम हमेशा के लिए अपना नाम वीर योद्धा के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया। गाइस, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो का सिलसिला हम जारी कर सकें।